अच्छा, आपकी समझ में प्रमुख कारण क्या है नक्सलवाद के? सर, नक्सलवाद के प्रमुख कारण मेरी समझ से भूमि का सही वितरण ना होना है। बस एक कारण यही है, एक प्रमुख ये कारण है। फिर सामाजिक आर्थिक विकास न होना, सरकार का प्रशासन वहाँ बेहतर न होना है, सरकार कानून व्यवस्था सही ना होने की वजह से नक्सली को फैलने और प्रसारित होने का अवसर और मिल जाता है। क्या इतना विकास हो चुका है? 70 साल से ज्यादा स्वतंत्र हो गए हैं। अभी भी भारत के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ विकास की मुख्य धारा नहीं पहुँची है या जो बहुत पिछड़े हुए हैं, हैं ऐसे कुछ क्षेत्र? सर, ऐसा नहीं कि बहुत पिछड़े हुए हैं, सरकार प्रयास कर रही है उनके विकास करने की, लेकिन अपेक्षाकृत नहीं। जैसे देखिए, जो डेमोक्रेसी में डिसेंट्रलाइज्ड व्यवस्था बनी है, पंचायती राज सिस्टम बना हुआ है, जो पूरे देश में लागू है, जिन क्षेत्रों में नक्सलवाद पनप रहा पंचायती राज, तो वहाँ भी है, वहाँ भी ग्राम पंचायत होगी, नगर पंचायत होगी, जिला पंचायत होगी। तो जब आवंटन होता है बजट का है, विकास के जो आयाम है, तो हर जगह वही किया जाता है। इसके बावजूद भी नक्सलवाद क्यों पनप रहा है? सर, वहाँ पर प्रशासन सही से योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पा रहा है। तो प्रशासन के लिए चुनौती है। यस सर, भाई जो भी नुकसान होता है ज्यादा, तो वहाँ जो पुलिस जो वहाँ पीएसी लगी है उन्हीं को तो सबसे ज्यादा नुकसान होता है। सर, जनता का समर्थन मिलना नक्सलवाद के प्रसार का एक प्रमुख कारण ये भी रहा है, जिस वजह से सरकार के लिए बड़ी चुनौती प्रस्तुत कर देता है नक्सलवाद। साक्षरता एक कारण नहीं है? कुछ ऐसे पिछड़े क्षेत्र हैं जहाँ पर अभी भी शिक्षा का जो है समुचित प्रबंध नहीं है, नहीं है, रोजगार का समुचित प्रबंध नहीं है, या विकास के अन्य रास्ते वहाँ पर नहीं है। जब उपेक्षित कोई क्षेत्र विशेष हो जाता है तो निश्चित रूप से असंतोष व्याप्त होगा, और जब व्यापक जन असंतोष व्याप्त होगा तो प्रतिक्रिया के रूप में निश्चित रूप से नक्सलवाद हो या अन्य प्रकार की हिंसात्मक गतिविधियां हो सकती हैं। आपके सोशल वर्क में जो ग्रामीण महिलाएं हैं उनको भी ध्यान में रखा गया है, तो उनके विकास के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं? ग्रामीण महिलाओं के विकास के लिए पहला सर, उनके इकोनॉमिक डिपेंडेंसी को कम करने के लिए जो SSG प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं उसको बेहतर इम्प्लीमेंटेशन किया जाए, जो मुद्रा योजनाएं चलाई जा रही हैं उन तक महिलाओं की पहुंच बढ़ाई जाए ताकि उनको ऋण मिले और वो छोटे मोटे कुटीर उद्योग चला सकें। महिलाओं के लिए स्पेशली कोई योजना है जो केवल महिलाओं के लिए हो? यस सर, स्टेप है सर, स्टेप सपोर्ट एंड ट्रेनिंग। जो स्टार्टअप है वही तो नहीं है सर? स्टार्टअप पूरी तरीके से महिलाओं के लिए नहीं है। वो महिलाओं के लिए ज्यादा ध्यान दे रहा है, ज्यादातर ऋण उसमें महिलाओं को मिल रहा है, लेकिन वो पूर्णतः महिलाओं के लिए नहीं है। अगर वहाँ जो कोऑपरेटिव तरीके से नहीं उनको रोजगार में सम्मिलित किया जा सकता है, आपस में महिलाएं स्वयं जो है सर, तो जो स्वयं सहायता समूह हैं वहाँ पर जा करके लोगों को ऑर्गेनाइज करें और वहीं पे मसाला बनाने का काम है या और अन्य किस तरह से छोटे मोटे काम लिफाफा बनाना है उसमें उनको सबको इंगेज करें। यस सर, तो जो हमारे स्वयं सहायता समूह को बढ़ावा सरकार दे रही है, ये महिलाओं के इन्हीं सब कार्यों के लिए बढ़ावा दिया जा रहा है कि उन्हें छोटे छोटे वो संगठन में एकत्रित हों और अपने एक समान रोजगार को बढ़ावा दें। एनजीओ की क्या भूमिका है महिला विकास में? सर, एनजीओ की सबसे बड़ी भूमिका है कि वो महिलाओं के संबंधित जो भी आंकड़े हैं उसको एकत्र करके वो सरकार को देती हैं ताकि सरकार उस तरह पॉलिसी चलाए। दूसरा, वो महिलाओं की जो समस्याएं हैं जैसे सैनिटरी संबंधी हुआ या पेयजल संबंधी हुआ,
उसके प्रति महिलाओं को जागरूक बनाती हैं। और उनकी टारगेट में क्या क्या है महिलाओं के अलावा? क्या सर? एनजीओ जो है किन किन एरियाज में काम कर रहे हैं? एक तो महिला हो गया, ठीक है, और सर शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, और बाल विकास के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, और डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने में काम कर रहे हैं, स्वच्छता स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। एक अंतिम क्वेश्चन है सस्टेनेबल डेवलपमेंट आजकल बहुत चर्चित है, ये क्या है? सतत विकास। विकास की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम विकास भी करें और पर्यावरण को संरक्षण इस प्रकार करें कि हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए संसाधन बचा रहे, ऐसा ना हो कि हम उसका अतिदोहन करें। ये बताइए भारत को सुरक्षा परिषद के सदस्य क्यों बनना चाहिए? आप भी यही कहें कि बनना चाहिए। यस सर। लेकिन तर्क क्या है आपके पास क्यों बनना चाहिए? इसके पक्ष में आप बताएं। इसके तीन चार कारण हैं। पहला है कि सर भारत एक बड़ी डेमोक्रेसी है, तो अगर वो सुरक्षा परिषद का सदस्य बनता है तो एक बड़ी डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंट करेगा। सेकंड सर, भारत आपका जो यूएन का शांति मिशन होता है उसमें भारत के सैनिक बहुत ज़्यादा भाग लेते हैं, इस वजह से भी भारत को सुरक्षा परिषद का सदस्य होना चाहिए। तीसरी बात सर कि भारत विश्व के जो कमजोर देश हैं, जो तृतीय विश्व के देश हैं, उनको सर लीड करता है भारत, उनको सहयोग, उनके सामाजिक आर्थिक विकास को सहयोग प्रदान करता है, इसलिए भी भारत को वहाँ मिलना चाहिए। और एक भारत बड़ी इकोनॉमी बनने जा रही है सर, तो जो उसकी वित्त की ज़रूरत है उसकी भी पूर्ति भारत कर सकता है। और अगर ये कहा जाए कि सदस्य नहीं बनना चाहिए, इसका कारण क्या है, तब आप क्या कहेंगे? सर उस पर भी तो कोई तर्क नहीं है। सर सदस्य तो उसको बनना चाहिए भारत को, और लेकिन सभी लोग तो नहीं चाहते ना सर, तो इसका बस तर्क लोग देते हैं कि क्या देते हैं लोग क्या देते हैं? कि भारत बस बैठा रहता है, उसका कोई एक स्टैंड नहीं होता है, किसी मुद्दे पर एक फिक्स स्टैंड नहीं होता है कि जैसे अगर ये तो किसी ने कहा कि भारत वैसे रहता है उसका कोई स्टैंड नहीं है। ये दोनों को भारत का कितना कंट्रीब्यूशन है? सॉरी सर, ये प्रमुख कारण है कि भारत 2 पॉइंट कुछ है उसमें, बस इतना उसका देता है, इतना कम है का योगदान 20% के ऊपर चला गया, ठीक है। तो जब हम योगदान देते नहीं और लेने की आशा करते हैं, तो ये तो वही बात हुई, किसी निमंत्रण में हम जाएं और 100 रुपए दें और पूरे 50 लोगों को लेके जाएं, अब कोई ऐसा आदमी जाए जो 1000 रुपए दे और मेरा खाई चला आएगा तो वहाँ तक किससे रहेंगे? बाबा दिया चला आएगा उसको वहाँ तो ज़्यादा दिया जाएगा, है ना। तो भारत के योगदान को भी समय के साथ बढ़ाने की आवश्यकता है, तब आप दावेदारी अच्छी प्रकार से कर पाएंगे। अच्छा, दूसरा हमारा प्रश्न ये है कि जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर भारतवर्ष आया और यहाँ उसने भारत को जीता, लेकिन भारतीय राजाओं के पास सेना भी थी, शौर्य भी था, साहस भी था, हार क्यों गए? सर उसके दो कारण थे। एक वो तुलुगमा युद्ध नीति अपनाया था और दूसरा कि उस में तोप का प्रयोग किया था। तो ये क्या है, इस युद्ध नीति को आपको बताना है? सर यह तुलुगमा युद्ध, इसमें बाबर क्या करता था कि गड्ढे को दिए जाते थे और उस गड्ढे से छुप के सैनिक हमला करते थे। इसका मतलब ये हुआ कि युद्ध में तकनीक की भूमिका ज्यादा महत्वपूर्ण थी। यस,
तीसरा मार्गदर्शन ये है की रक्षा सुरक्षा इन दोनों में अंतर क्या है? सुरक्षा सर एक व्यापक और एक और शब्द है प्रतिरक्षा, रक्षा भी है सुरक्षा है प्रतिरक्षा एक एक लाइन में तीनों का अंतर। सुरक्षा सर एक व्यापक टर्म है जो मानव केंद्रित होता है, उसमें पर्यावरण खाद्य और सीमा सीमांत सारी सुरक्षाएं आ जाती हैं। रक्षा में सर एक सैन्य टर्म है जिसमें हमारा सीमा और सीमांत से संबंधित सुरक्षा संबंधित होती है, देश की एकता अखंडता की रक्षा करना आंतरिक और बाह्य खतरों से। और प्रतिरक्षा प्रतिरक्षा का मतलब होता है किसी आक्रमण के विरुद्ध बचाव, जब कोई दूसरा आक्रमण करे। ये सबसे महत्वपूर्ण रक्षा को क्या कहते हैं? रक्षा प्रमिशन क्या कहते हैं? क्या सर? रक्षा प्रमिशन क्या कहते हैं? रक्षा को सिक्योरिटी कहते हैं। रक्षा को हाँ, यस सर। सुरक्षा को क्या कहेंगे? सॉरी सर, रक्षा को डिफेंस बोलते हैं। रक्षा को भी सर डिफेंस बोलते हैं। वाह वाह वाह, क्या बात है। कैसे दोनों से एक बताएंगे, मतलब दोनों का अलग अलग अर्थ है तो ये बताइए, दीपा का जो अर्थ होगा क्या वही अर्चना का भी अर्थ होगा? नहीं होगा, दीप अपनी जगह है अर्चना अपनी जगह। तो ये बेटा रक्षा को डिफेंस करते हैं, रक्षा को काउंटर डिफेंस करते हैं। यस सर। लेकिन ये वो रक्षा के लिए काउंटर डिफेंस सब बहुत कम आपको मिलेगा, ये लिखा हुआ कहीं नहीं मिलेगा। लोग उसका काम रक्षा से ही चला लेते हैं, प्रतिरक्षा का रक्षा से और रक्षा को प्रतिरक्षा से, जबकि दोनों सब अलग अलग है, दोनों के अलग अलग, दोनों के अलग इंग्लिश में। अलग ही एक शब्द और भी है संरक्षा, उसे संरक्षा स्टेशनों पर आपको लिखा मिलेगा। कोल्ड वॉर क्या है? कोल्ड वॉर क्या है? कोल्ड वॉर जब दो शक्तियों के बीच में वैचारिक युद्ध हो तो उसे कोल्ड वॉर कहते हैं, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और अमेरिका नेतृत्व वाले नाटो और रूस नेतृत्व वाले सोवियत संघ सर के बीच में हुआ। अच्छा, यूएनओ के कितने अंग हैं? यूएनओ के सर 6 अंग हैं। क्या नाम बता सकती हैं? सारा मैं क्या कोशिश कर रहे हैं सुरक्षा परिषद, अगर 4 अंग बताती हैं तो सही सुरक्षा परिषद सर। यूएनओ चलिए बताइए लीग ऑफ नेशंस है। यस सर। लीग ऑफ नेशंस का नाम आपने सुना है ना? यस। कब सुना है? सर ये और किस संदर्भ में? फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद से 1919 में इसका गठन किया गया था विश्व शांति के लिए, विश्व शांति की स्थापना के लिए लीग ऑफ नेशन का गठन 1919 में मित्र देशों ने मिलकर किया। अच्छा, तो इसका जनक किसको माना जाता है? सर इसका जनक अमेरिका के राष्ट्रपति एक व्यक्ति है, अमेरिका के राष्ट्रपति थे विल्सन, विलियम विल्सन, विल्सन पूरा नाम बताएं सर? पूरा नाम मुझे नहीं याद। भारतवर्ष की प्रमुख समस्याएं क्या हैं और वनिता क्यों में पहले नंबर पर आप संदिग्ध होंगे, सबसे बड़ी समस्या तो उन्हें करेंगे? सबसे बड़ी समस्या सर लैंगिक भेदभाव है महिलाओं। दूसरा क्या? दूसरा सर
बेरोजगारी की समस्या है। तीसरा क्या? कृषिगत समस्याएं है सर, कृषि की जो कृषि संबंधित समस्याएं है। चौथी क्या? चौथी है सर शिक्षा की समस्या है, हेल्थ की समस्या है, हेल्थ की समस्या है, हेल्थ की समस्या है। अच्छा, लेकिन इसमें आपने जनसंख्या का कोई उल्लेख नहीं किया, सारी समस्याओं की जड़ जनसंख्या। अगर ये समस्या हमारी सुधर जाए तो जिस तेजी से भारत आगे बढ़ रहा है हमारे विकास में ये बहुत बड़ा था। यहीं से आप देखें ये जो समस्याएं आप इनका नाम ले रहे हैं सब निकलती है, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अब राष्ट्रीय स्तर पर भारत को क्या करना चाहिए? जम्मू कश्मीर की जो समस्या है इसका तो इन्होंने समाधान करने का भरपूर प्रयास कर दिया। आपके हिसाब से अब अगला क्या उनका रहना चाहिए? सर अगला कदम होना चाहिए कि उनको वहाँ पर विकास का ध्यान दिया जाए। दूसरा मामला, दूसरा जम्मू कश्मीर की समस्या का समाधान होगा ये कह रहे हैं, आप भी कह रहे हैं हो जाए, ये सब उपचार है। लेकिन अगला कदम क्या होना चाहिए जो इससे नहीं संबंधित? सर सरकार को बेरोजगारी के ध्यान देना चाहिए, बेरोजगारी की जो समस्या है उससे निपटने के लिए अभी तत्काल में तो बेरोजगारी के लिए तो कर रही है, कौशल विकास का कार्यक्रम चल रहा है और इस पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। सरकार कितने लोगों को नौकरी देगी ये भी तो बड़ी बात है। तो जनसंख्या को हमने कहा ना ये सबसे बड़ी समस्या है। समान नागरिक संहिता के बारे में क्या आपका सबके लिए जैसा कानून होना चाहिए सर? और ये जो है इससे एक चीज आपको कहना है कि सबसे बड़ी उपलब्धि क्या होगी भारत, ये नहीं कि नारियों का फायदा होगा या ऐसा होगा, एक शब्द आप बता दें जो सबसे बड़ा फायदा देश की सर एकता अखंडता सुनिश्चित हो। बस सर वजह ये थी कि जब मैंने इन दोनों सब्जेक्ट्स को पढ़ा तो ये सब्जेक्ट्स मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगे, और दूसरा सर सीनियर्स ने मुझे सजेशन दिए कि इन सब्जेक्ट्स में मार्क्स बहुत उठते हैं और बहुत इसलिए तो अपना जो हाई स्कूल से ग्रेजुएशन और पीजी तक पढ़ा था उसे किनारे कर दिया। चलिए अच्छा, अच्छा बताइए फिजिक्स में आप डॉपलर प्रभाव के बारे में तो जानते हैं? यस सर, फिजिक्स में तो पढ़ा होगा। तो कैसे हम पता लगाते हैं कि कोई आकाशगंगा हमारी आकाशगंगा की तरफ आ रही दूर आ रही है, क्या आप कैसे पता करते हैं? तो डॉपलर प्रभाव के बारे में थोड़ा सा परिभाषित कीजिए, डॉपलर प्रभाव क्या है? अच्छा इसका हम लोग प्रकाश में इस्तेमाल करते हैं या ध्वनि में भी इस्तेमाल करते हैं? दोनों में से। तो किसने दिया था ये तो सबको पता है, ठीक है, तो उसमें थोड़ा सा परिभाषित करने में दिक्कत है। बहुत ही हमें लगता है आपने सब्जेक्ट को नहीं। अच्छा जैसे अभी जी वेव्स के बारे में जानते हैं? जी वेव्स ग्रेविटेशनल वेव्स, हाँ, इनकी किसने वही खोज की थी वास्तव में? ग्रेविटेशनल वेव्स की खोज वास्तव में सर मिस्टर एल्बर्ट आइंस्टीन ने की थी। उन्हें नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में, नोबेल पुरस्कार किस कार्य के लिए मिला? न्यूट्रिनो की खोज हुई, गॉड पार्टिकल के बारे में,
वो सबसे छोटा पार्टिकल होता है जिसके जिससे यूनिवर्स के सभी पार्टिकल बने बनाया जाता है। ठीक है, तो इसका जो इसकी परिकल्पना है वो हमारे देश के महान वैज्ञानिक हैं उन्होंने की थी। ठीक है, सत्येंद्रनाथ बोस उनका नाम है। यस सर, और हाँ सर हम तो जानते होंगे। तो इनका जो पेपर था वो शांत करी पे वो इंग्लिश में था क्योंकि उस समय जर्मन भाषा का बड़ा बोलबाला था। तो आइंस्टीन इनसे प्रभावित हुए और इनके उस पेपर को रिसर्च पेपर को जर्मन भाषा में खुद ही ट्रांसलेट किया और उसके जाके जर्मन जर्नल में जब वो बात छपी तो पूरी दुनिया पे उनका ध्यान गया। और वही पीटर हिक्स एक साइंटिस्ट हैं यूरोपीय, तो उन्होंने उस पर अभी जर्मनी और स्विट्जरलैंड की सीमा पे लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर एक मशीन बनाई है, वहीं पे डॉट पार्टिकल की खोज हुई है। तो क्योंकि आपका पीजी है आपके फिजिक्स में, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान देनी चाहिए। एक मरतबा आप अपने विषय के बारे में उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, आपने उससे पढ़ा है लगाव रहा होगा तभी पढ़ा है। ठीक है, तो उसके बाद अच्छा आकाश का कुछ अस्तित्व है, बच्चों वाला प्रश्न, आकाश का अस्तित्व है, आकाश है कुछ तो परिभाषित करिए ना, तो दिखाई पड़ता है सर। जो मुझे दिखाई पड़ता है वो छोटे छोटे पार्टिकल पर प्रकाश प्रकाश के स्कैटरिंग की वजह से हमको प्रकाश ही दिखाई देता है, जो मुझे लगता है कि आकाश है। तो आकाश का कोई अस्तित्व नहीं ये बात मान लें। यस सर, तो हम कैसे उसको किससे कौन सी हम लोग कहें कि भाई ये कौन सी डेफिनेशन देंगे कि इस पे हम लोग ये नकार दें कि आकाश नहीं है, प्रकाश की वो कौन सी परिघटना है जिसके आधार पे हम इसको नकार देंगे भाई ये नहीं है। आप बेटा ये तो ये सब तो कभी कह ही नहीं सकते कि आकाश नहीं है। ये बार बार कहा जाता है कि अभी आकाश है जिसके हर मंजिल को तलाश जी है, और आप कहीं आकाश नहीं। फिजिक्स के भाषा में जो चीज़ है वही साहित्य की भाषा में थी, ऐसा नहीं है कि जो साहित्य में कहा गया है वो मतलब अस्तित्व में नहीं है, वही कहा गया है जिसको विज्ञान मानता है। आकाश से तभी तो कहा गया है साहित्य में तो चांद पता नहीं चल है चांद दूसरा चंद्रयान दो को सफल कहा जाए कि असफल कहा जाए। सर अभी उसको ना ही सफल कहा जा सकता है ना ही असफल, क्योंकि अभी उससे वैज्ञानिक ये कैसे आपने मान लिया कि असफल भी नहीं कहा जा सकता, या तो सफल कहिए असफल कहिए, ये कैसे? सर अभी उससे वैज्ञानिक संपर्क स्थापित करने का प्रयास, ये बताइए कि आप उत्तरी ध्रुव की मानियो नहीं हो पाएगा। हाँ, तो आप क्या मानेंगे, तब आप क्या कहेंगे? तो भी सर वो एक सफल अभियान माना जाए। ये बात अपने ध्यान में रखिए कि विज्ञान की कोई भी छलांग वो हर जो छलांग है उसके पीछे वो एक अपना ऐसा निशान छोड़ जाती है जिस पर दूसरे उस रास्ते को तय करके मंजिल पाते हैं। इसलिए ये कहा जाता है कि हर हादसा अंतरिक्ष का अगले अभियान को शानदार बनाने का एक खूबसूरत मौका है। इसलिए आप कभी ऐसा मत कहिएगा कि ये जो यहीं खत्म हो गया, क्यों चांद तक पहुंचने के पहले तक कम से कम 200 अभियान असफल गए थे। चलिए आप एक छोटी सी बात बताइए, रूस के सब दिल्ली आपका चांद पे लोग पहुंचे, और क्या बता सकती हैं सबसे पहले अंतरिक्ष यान कौन थे? चंद्रमा पर सबसे पहले किस देश से भेजा? चंद्रयान भेजा रसिया ने भेजा। क्या नाम उसका? नाम में नाम अच्छा, फिर उसके बाद भी व्यक्ति उसके बाद यूरी गागरिन जो था यात्री था ना अंतरिक्ष यात्री जो यान गया उसका नाम है स्पुतनिक प्रथम। एक चीज बताइए, आप किसी ऐसी महिला का नाम बताइए जो पैरा मिलिट्री चुके आपने डिफेंस दिया और पहली महिला जो पैरा मिलिट्री में
डायरेक्टर जनरल बनी है, फर्स्ट लेडी तो महिला सशस्त्र सीमा बल का नाम सुना है SSB उसकी पहले जो महिला डीजी बनी है परम मिलिट्री की वो अर्चना रामसुंदरम नाम सुना होगा नहीं सुना है फर्स्ट लेडी है जो किसी पैरा मिलिट्री फोर्स की डीजी बनाई गई SSB उत्तर प्रदेश की वर्तमान राज्यपाल कौन है इससे पहले भी कोई महिला राज्यपाल हो चुकी है राज्यपाल जो उत्तर प्रदेश की थी माननीय सरोजनी नायडू अच्छा महिला मुख्यमंत्री कौन थी पहली महिला माननीय श्रीमती सुचिता कृपलानी जी थी आपका कोई महिला रोल मॉडल है आपके लाइफ में अगर आपको डिप्टी कलेक्टर बना दिया जाता है आपने एक ही प्रेफरेंस दिया है इसमें सिर्फ उन्होंने एक ही प्रेफरेंस दिया कोई प्रेफरेंस नहीं है मैं समझता हूँ कि आप अपने आप में यूनिक कैंडिडेट हों उसमें भी आपने एक ही बनना है नहीं सर उसमें जिला पंचायत राज अधिकारी भरना है दूसरे पर अच्छा। और तीसरे पर अधिशासी अधिकारी हो सकता है इतना कॉन्फिडेंस आप लोग मुझे एक ही पोस्ट पर भरना और उसी को ले जाना है नो सर नो नहीं नहीं सर अच्छा आप ये बताइए कि आप में क्या ऐसी क्वालिटी है जिससे आपको डिप्टी कलेक्टर बना दिया जाना चाहिए सर मेरे अंदर आपकी रोल मॉडल आपकी माँ है ध्यान रखिएगा सर मैं बहुत परिश्रमी हूँ मेरे अंदर अनुशासन है किसी को अगर लीड करना होता है तो कर लेती हूँ किसी को लीड करना रहे लोगों को तो लीड कर लेती हूँ लीड कर लेती हैं आपको एनसीसी वर्क थी आपके पास क्या सर एनसीसी थी आपके पास एनसीसी नो सर एनएसएस नो सर तो लीडरशिप को उदाहरण क्या सत्या आपने कैसे आपने कैसे आपको लगता है सर मैं जिस हॉस्टल में रहती थी वहाँ पर जब प्रोग्राम हुआ होते थे तो जो हमारे हॉस्टल के ओनर थे वो हॉस्टल के प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के लिए मुझे बुलाते थे ऑर्गेनाइज करने के लिए बुलाते थे वो चलो ठीक है 10-25 बच्चों में आपने उतर लिया होगा लेकिन ये लीडरशिप की क्वालिटी डेवलप करने की जो ट्रेनिंग होती है वो कराई जाती है उसमें तो कोई ट्रेनिंग कराई जाती है तो किसी को मुझे ऐसा भी पता है कि क्रिकेट का मैच हो रहा था और लोग उसको देखने वालों में आज के 40 साल पहले की बात और सारे खिलाड़ी आउट हो गए 6 रन की जरूरत थी और जो आखिरी आदमी बच्चों का स्कोर था बॉलर अरे उसको बैट्समैन उसको ढूंढने के लिए उसका नाम बुलाया जाता है वो गायब हो गया उसको भी टीम हार गई है वो कचरा गया एक भीड़ में से एक लड़का जिसको क्रिकेट का बल्ला पकड़ने में नहीं आता लोगों ने उसको पकड़ लिया तो चल और आपको ताजुब होगा कि उसने पहले बार में चक्का मार दिया ये कई बाल बच रही थी शायद की जरूरत तो वो क्वालिटी नहीं वो तो एक बाई चांस एक्सीडेंट हो लीडरशिप की क्वालिटी डेवलप करने का जो प्लेटफॉर्म है वो आपका NSS है NCC है इस प्लेटफॉर्म तीसरी क्वालिटी क्या आपको लगता है आपने बता दिया आपने ये और कोई क्वालिटी बताइए सर मैं असहयोग वर्ग की सहायता करती हूँ असहयोग लोगों की सहायता करती हूँ असहयोग लोगों की असहयोग लोगों की असहाय होता बेटा शब्दों का असहाय असहाय या अशक्त जिन्हें सहायता की जरूरत होती है अशक्त लोगों की असहाय मतलब असहाय लोग ये सब जरा सा बोलो तो काम क्योंकि आप छोटी छोटी सी चीजों से पकड़े जाएंगे आप ये ध्यान रखिएगा अगर इस तरह की चीज़ें पूछी जाती हैं तो आपके अंदर सबसे पहला जवाब जो होगा वो ये कि मेरे अंदर लीडरशिप की क्वालिटी है नेतृत्व करने की क्षमता दूसरा ये कि मैं त्वरित निर्णय लेने में विश्वास रखती हूँ और त्वरित निर्णय ले सकती हूँ ठीक है उसके बाद बाकी चीज़ें आप बताते हैं जो आपकी ठीक है कोऑर्डिनेशन करने की आपकी क्षमता है आप डिसिप्लिन राइट
निराश्रित है, अच्छा लगता है। थोड़ा सा आप अपनी पोज को ठीक कीजिएगा। ये मैं इसको कहने वाला था, उसका एक तो अपना ड्रेस कोड जो है चेंज करिए थोड़ा सा, क्योंकि आप यहाँ आई हैं तो आप ये मान के चलिए आपको ये आना चाहिए था कि आप इंटरव्यू के सामने जा रही है, जैसे प्री पी एच डी जैसे होता है, तो आपको इस समय भी उसी फॉर्मेट में आना चाहिए था, ऑलमोस्ट मिलता जुलता, जिससे ये लगे कि आप ये इंप्रेशन वहाँ देंगे। ठीक है, ये इंटरव्यू कर पूरी तरह से तैयार हैं, कपड़े सिलने के लिए, प्रेस होने के लिए, प्रेस होने के लिए सिलने वाला काम मुझे लगता है, नया सिलवा की प्रेस करवाई हो गया। अरे बेटा इसको ऐसा करना, दूसरा दिन बच रहा है इसको, रोज पहनो, रोज पहनो और उसके एक दो दिन पहले धुल के ढंग से फिर प्रेस करा, रोज पहनो, कल के पहन के सो भी उसको कोई दिक्कत नहीं। ऊपर का कोट भी सिलवाएगा तुमने, साड़ी फिर ठीक, उसको पहनो, चिंता मत करो उसकी, साड़ी 10 रुपये और लग जाएगा प्रेस करने, पहनो पहन के घर पे, बिल्कुल नया पहन के इससे 10% तुम्हारा वो। और बल्कि अगर यूज साड़ी को तुम्हारे घर में वो तुम्हारी मम्मी की ऐसी सोवर सी तो तुम पहन के घर की। और एक और चीज़ का ध्यान, गलत तरफ से बिल्कुल ना दें, जब भी आप बोले नहीं मालूम आराम से, सॉरी सर कहिए, लेकिन गलत तरफ से बिल्कुल ना, ये मान के चले कि जो पूछ रहे हैं उनको उस विषय पर या उस पर जानकारी चाहिए। तो आप सन कबीर नगर के रहने वाले हैं, कुछ खासियत बस्ती बस्ती हाँ, संत कबीर नगर किससे मतलब कौन सा पहले जिला हुआ करता था जो अब संत कबीर नगर में बस्ती हुआ करता था, बस्ती से अलग किया गया। कब किया था कबीरदास, क्या कबीरदास की मृत्यु महिमा घर में हुई थी, कोई किंवदंती भी उनसे जुड़ी हुई, क्या सर कबीरदास से जुड़ी कोई किंवदंती भी है मगर से जुड़ी हुई किंवदंती, यस सर यस, क्या है कबीर दास के पहले लोग कहते थे कि जो मगहर में मरेगा वो गधा बनेगा, अच्छा तो कबीर दास जी ने, अच्छा फिर कबीर दास जी वाराणसी चले, वाराणसी नहीं गए सर, वो वहीं पे रुक गए और उनकी डेथ वहीं हो गई। इसमें सुधार करिएगा, नरक में जाएगा ये माना जाता था, ठीक है काशी में मोक्ष मिलता है तो काशी में रहे, विडम्बना ये थी जिन्हें मरना था उसके दिन पहले जी मगर चले गए, हमने ये सुना था, दूसरा बता रही है सर उनका कार्य क्षेत्र वाराणसी रहा है, लेकिन वो इस रूढ़वादिता को तोड़ने के लिए मगर चले गए, काशी में जो मतलब प्राण त्यागेगा वो स्वर्ग में जाएगा, मगर में जो जाएगा तो वो फिर नरक में, तो गंधे वाली मत करिए, बस्ती वाली भाषा बेटा थोड़ा सा अच्छे की नहीं होती है। और क्या वोट कर दिए वहाँ संत कबीर नगर की कोई और कुछ आपके कोई पहचान हो उस क्षेत्र की या कुछ सर, उसका एक इको टूरिज्म स्थल है जी, वो बखीरा झील, बखीरा मोती झील के नाम से जानी जाती है, जिसे उत्तर प्रदेश की डल झील कहते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो वो फेमस है। दूसरा सर वहाँ पर एक कबीरदास जी की जो समाधि स्थल है मगर वो बहुत फेमस है, वहाँ लोग दर्शन के लिए जाते हैं, जनवरी में कबीर महोत्सव भी वहाँ लगता है सर। और वो समा देवी जी का मंदिर है। दीपशिखा लास्ट चीज जाने के पहले आपकी कोई हॉबी है? यस सर। क्या है बेटा बता दो जल्दी। असहाय लोगों की सहायता करते हैं। अच्छा असहाय लोगों की सहायता, ये बेटा इसको वैसे ये सोशल सर्विस में तो आता है, हॉबी को थोड़ा चेंज करो, ये बेटा ये बहुत अपील नहीं कर पाएगा आपके पास, ये हॉबी के पैरामीटर में उसे डाल आ तो जाएगा, लेकिन ये सूट नहीं कर रहा है। जैसे पैंट, जैसे पैंट कमीज पहन के और आप उस पर पगड़ी बांध रहे हैं, वो बिल्कुल इसी तरह का है ये काम, आपको मना तो नहीं करेगा लेकिन वो उसको मैच नहीं कर रहा है। असहाय की पहचान करना भी हाँ, इट इज
वेरी डिफिकल्ट, नहीं सा है आजकल पूरा समाज दहलुतिया हो रहा है। yes, sir. किसी ने जोकर से पूछा कि तुमने कोटा क्यों लगाया उसको, तो उसने कहा साहब लगाते तो सब हम मेरा सबको दिखाई दे रहा है। बड़े बड़े शहरों में तो ठीक है सहाय होने का अभिनय का